हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स गॉसिप। तो आज मेरी दोस्त मुझसे मिल रही है, काफ़ी समय बाद कुसुम की शादी में मुझसे मिली थी और आज मुझसे मिली। मतलब 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मैं नोएडा में हूँ और वो भी नोएडा में है और 3 महीने मुझे हो चुके हैं नोएडा में। लेकिन वो थोड़ी सी ना गोलीबाज है, गोलीबाज के शायद काम उसके पास आ जाता है एंड मोमेंट में, तो इसलिए वो मिल नहीं पाती। तो आज वो मुझे फाइनली मिलने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं ऑफिस से निकल रही हूँ 7 बजे और उसको पहले लेने चलती हूँ नीचे, फिर हम लोग यहीं पर वापस आएंगे और यहीं पर बैठ के हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे और गपशप करेंगे और कुछ थोड़ी बहुत चुगलियाँ हम लोग मारेंगे। तो फटाफट चलती हूँ उसको लेने के लिए और उसके बाद आपको मिलवाती हूँ हमारी, आपको अभी नहीं बताती, एंकर है वो कहीं की, उससे आपको मिलवाती हूँ। ब्लॉग में तो डालना बनता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये है एंकर संगम टीवी की। पहले साधना की थी, फॉर्मर एंकर ऑफ साधना टीवी। एंड नाउ यार ये बढ़िया है यार, शॉपिंग करने के लिए हम लोग को ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। अरे बहुत बढ़िया है यार, एक भी मेरे घर के, मैं नोएडा सिटी सेंटर में रहती हूँ, दूर दूर जाना पड़ता है वहाँ पे। बताओ कहाँ पर क्या खाओगी? कुछ भी नहीं है। What do you have? खिलाओगी क्या खाना तुम्हें बताओ यार। ऐसे जगह पे ऑफिस होना चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि छोड़ दे यही काम कर लूँ। देख कितना प्यारा व्यू है, एक बार दिखाओ। दिखाया हुआ है यार अपना ऑफिस मैंने, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये कि खाने पीने की सारी चीजें यहाँ, सब चीजें, एवरीथिंग। लेकर आए हैं हम लोग खाने के लिए। कैसे लग रहा है 3 महीने बाद मिलकर? 3 महीने बाद तो 3 महीने मतलब आई मीन कि जब से नोएडा शिफ्ट हुई हूँ मैं, उसके बाद से 3 महीने बाद मिले हम लोग। शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी? शर्म की क्या बात है कि आप, मैं बता रही हूँ मेरी स्टोरी। जब मैं साधना में, तब मैं साधना में थी तो आउटडोर शूट बहुत ज्यादा होते थे, आउटडोर शूट की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। या तो मैं 10 बजे आती थी रात को, या तो कई बार आती ही नहीं। फिर अब मैंने चैनल स्विच किया और कोइंसिडेंटली वो चैनल आपके चैनल, आई मीन आपके, हाँ आपके चैनल का पड़ोसी चैनल ही है, बगल में ही है, फिर भी टाइमिंग करी। तो आज मैंने बहुत सारे कुछ मत बोलो, सोच समझ के बोलो वो किए हैं तब मैं जल्दी आ पाई। तो मैंने सोचा आज मैं मिल भी लेती हूँ हमारी सीनियर एंकर भाई, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। यार तुम मेरे तारीफ मत करो, ऐसा लग रहा है मैं टेस्टिमोनियल ले रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जो कुछ भी हूँ जहाँ भी हूँ। प्लीज यार चुप, और कुछ बताओ। और क्या बताऊँ, मेरा सुबह प्रोग्राम था, आपने देखा नहीं, आज सुबह 11 बजे प्रोग्राम था अनुज महाराज जी के साथ, टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अगर मैं तुम्हारा प्रोग्राम देखती उस टाइम पे तो ऑफिस में कौन काम करता? बड़ी विचित्र बात है, जब हम लोग बचपन में या कभी भी टीवी देख रहे थे तो ये होता था काश हम भी, और आज वो दिन है कि हम आते हैं टीवी पे लेकिन हमारे पास टीवी नहीं है। टीवी कितना फन फैक्ट है ना, टीवी देखने का टाइम क्या, यही लाइफ है। टीवी देखने का टाइम, टीवी नहीं है पास, बहुत गरीब। कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल। अब तुम्हारे फैंस तुम्हें भेजेंगे कहीं, तुम्हें मेल फैंस ज़्यादा है। अच्छा, वो तो ऑब्वियस है। यस या मैं खाना चाहूंगी, बिल्कुल एंकर की तरह मैं खाना चाहूंगी। बस यार तुम ना मेरी ओवर तारीफ मत करो यार, चम्मच है आपके होठों पे लगा, उसके बाद फिर मैंने इसी चम्मच से ये पेस्ट्री इसका स्लाइस उठाया और अब इसका पेहरास जो है वो। यार ओवर तारीफ मत करा करो यार, मुझे शर्म आती है यार। ये अपना पिज्जा आ गया, स्टार्ट करें। अच्छा है यहाँ पर, सस्ता भी है। आपको चिली फ्लेक्स तो पसंद नहीं होगा? नहीं नहीं पसंद है मुझे, क्योंकि मैं तीखी में ज्यादा डाल रही हूं, क्योंकि मैं तीखी हूं ना, तो आपको तो नहीं खाना चाहिए, डबल स्पाइसी हो जाएगा।
बहुत मस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं और क्या बड़े ही मजे में। तो ये वीडियो जो अभी बन रहा है ये मेरे ऊपर बन रहा है, स्पेशली दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड फॉर मी। मैं लोगों के लिए प्रोग्राम बनाती हूँ एंड आई एम ग्लैड टू सी दैट कि कुछ लोग मेरे लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। सो दिस इज यू नो आई एम सो मैं अंदर से बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई हूँ क्योंकि इस बात की मुझे खुशी है कि कोई मेरा मतलब मेरे ऊपर प्रोग्राम बना रहा है, कोई मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है। क्या मैं इतनी ज्यादा मीन्स यू नो वैल्यूएबल हूँ आपके लिए? तो दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी। तुम वैल्यूएबल नहीं हो। अच्छा, ये सबसे खास बात ये है कि सबसे अच्छी बात जो मैंने आज तक ये देखी है कि ये हमारे सीनियर एंकर है, ठीक है। मैंने इंटर्नशिप की थी इनके यहाँ और मैं इंटर्न थी और उस ऑर्गेनाइजेशन में ये सीनियर एंकर थी। तो जो सोचो सीनियर एंकर प्लस इंटर्न, कभी फ्रेंड मतलब जो बॉन्ड है वो आज भी है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को बहुत कम मिलता है। एक और नहीं कह सकती मेरे को बोलने से पहले बहुत बोलती हूँ तुम। एक जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी थी, मैं एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी हूँ ऐसा मुझे लगता है, और मेरे विपक्ष जो है उसे तो बहुत ही भयंकर लगता है। अरे दीदी बहुत ही शुरू हो गया। नहीं मैं एक चीज बता रही, सुनो ना। तो जो मेरे विपक्ष तो कोई भी हो सकता है, कोई भी लोग आपके विपक्ष हो सकते हैं। तो जो मेरे विपक्ष हैं उनको बहुत ही भयंकर फीलिंग थी, है हमेशा रहेगी, कि बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, हम इसके आगे नहीं टिक सकते। तो पूरी जान से मतलब पूरा जोर लगा देना था कि कैसे मनीषा को गिराया जाए। बट सबको पता ही है मैं स्ट्रांग पर्सनैलिटी, मुझे खुद को भी लगता है और मैं अपने स्टैंड ले सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी पॉइंट में मुझे किसी की मतलब मुझे कभी किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेरे लिए स्टैंड ले। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में मतलब मैं आपको इंसिडेंट एग्जैक्टली बताऊँगी नहीं, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ था कि किसी ने मुझे कुछ बोला, मेरे ऊपर कुछ क्वेश्चन किया कि मनीषा ऐसा। मैं अपनी तरफ से अपना जवाब दे ही रही थी कि मैंने देखा किसी और ने जवाब दे दिया। वो कोई और कौन थी? शिवप्रिया थी। तो जब शिवप्रिया ने मेरे बोलने से पहले इसने जवाब दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मनीषा मतलब सबको बताया, मेरे जो बहुत खास दोस्त हैं मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं उन सबको बताया कि मनीषा अपना जो लफड़ा है वो खुद सेटल डाउन कर लेती है, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, ये खुद निपट लेगी और बहुत अच्छे से निपट लेगी। पता इसे भी था लेकिन फिर भी ये बीच में बोली, और मेरा कभी किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया या मेरी तरफ से किसी ने कभी कुछ बोला नहीं, कुछ भी आवाज़ नहीं उठाई मेरे उठाने से पहले, लेकिन इसने उठाई। तो मुझे उस दिन लगा यार मतलब ये कोई पहली बंदी होगी मेरी लाइफ में जिसने मेरे बोलने से पहले ही बोल दिया कि भैया ऐसा नहीं है, इन्होंने ऐसा किया है। तो वो चीज़ मुझे इतना वो मतलब मेरे ना दिल को छू गई वो चीज़। पहले भी हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे लेकिन उसके बाद से और भी ज़्यादा अच्छे हम लोग के कनेक्शन हो गए। और उसके बाद मैंने इसको बोली भी थी, ये बात कन्फर्म भी किया था कि यार मतलब मेरे लिए कभी किसी ने स्टैंड ले लिया, तूने आज मेरे लिए स्टैंड लिया ना, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो मैं कर सकती थी वो चीज़ लेकिन फिर भी इसने किया, तो आई लव यू फॉर दैट। ओह माय गॉड, ऐसा मत करो दीदी, कुछ कुछ होता है। गलत समझेंगे। अच्छा सही कौन समझता है मुझे ये बता दो। सही तो कोई नहीं समझता। सही कोई, आप कितने भी सही रह लो ठीक है, किसी के लिए कुछ भी कर लो, आप हमेशा किसी न किसी की नजर में गलत हो। आप बिल्कुल सही, दुनिया में सबसे अच्छे इंसान भी हो ना, तो लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है कि आप इतने अच्छे सच में हो या आप बनने का नाटक कर रहे हो। और नहीं ये भी है कि क्यों हो लोग बटरिंग, जिसे बटरिंग कहा जाता है, आप ज्यादा अच्छे हो तो आप बटरिंग कर रहे हो। और पता है एक मेरी लाइफ में क्या चीज होती है शिवप्रिया, मतलब मैं बहुत फेस कर रही हूँ आजकल, मतलब मेरे इर्द गिर्द, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे घर में है, मेरे ऑफिस में, लेकिन मैंने इर्द गिर्द जो मेरे आसपास लोग हैं, मतलब मैंने बहुत चीज़ ऐसी महसूस की है कि अगर कुछ लोगों की मुझसे अच्छी पट रही है, अगर कुछ लोग मेरे पास आकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी सोल्यूशन मांग रहे हैं या फिर कुछ भी बात कर रहे हैं, मेरे पास आ भी रहे हैं ना, तो पता नहीं कि लोगों को ना कुछ लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होने लग जाती है कि यार इसी के पास जाके क्यों लोग बोल रहे हैं, इसी से ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, इसी की हेल्प क्यों ले रहे हैं।
तो समझ नहीं आता यार कि मैं क्या करूँ, मैं अपना नेचर चेंज करूँ। ऐसे ऐसे लोगों के लिए मतलब मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को याद ही मत करो आप, यही ऑप्शन बचा। यार मैं याद नहीं करती, बट पता ही होता है मैं नहीं करती। क्या होता है कि जब आपसे लोग प्यार करते हैं, तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ कोई कुछ भी ऐसे बोले कि यार मतलब उसी के पास क्यों, वही तो है ऑप्शन, हेल्प चाहिए। पता है इंसान उसी के पास उससे ज्यादा जलता है जिसके पास सब कुछ होता है। एग्जैक्टली मैं आपके पास अगर अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है ना, मतलब समझ लो कि आप कुछ हो ही नहीं, आप एक ये मैं फैक्ट बता रही हूँ, अगर आपसे कोई जलता नहीं है, अगर किसी को भी आपसे प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपसे जलता नहीं है, किसी को भी आपसे इरिटेशन नहीं हो रही ना, अगर तो ये समझ लेना कि आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, कुछ अचीव किया ही नहीं है। अगर आपके मतलब दुश्मन हैं और आपसे जलने वाले लोग हैं, तो ये समझ लेना कि आप अपने लाइफ में बहुत सही जा रहे हो, तो बी हैप्पी। ये मेरा मानना है, मेरा परसेप्शन है, ऐसे मोटिवेशंस मुझे रोज चाहिए अपनी लाइफ में। लिटरली अगर आपसे कोई जल रहा है ना, अगर आपसे किसी को जलन है, किसी से आपको किसी को भी आपसे अगर प्रॉब्लम है, आपकी चीजों से प्रॉब्लम है, अगर आपसे कोई बात करता है तो उसे प्रॉब्लम है, तो ये समझ लो कि आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, तो ये एक तरीके का आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर सपोज ना, सुनो ना, मतलब अब ये सोचो कि बैठ के कहीं रख लो मेरा हाथ दर्द हो गया। हाँ मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी इंसान क्यों किसी से जलेगा, मुझे आप ही होगा, मतलब इसको हम एक एक, एक टॉक शो बनाते हैं, चलो ठीक है, इसे हम एक टॉक शो रूप देते हैं, ठीक है, आप जिसमें मेरी प्रॉब्लम्स का समाधान शिवप्रिया करना। हाँ मैं समाधान नहीं, लेट मी क्लियर। अच्छा दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। एक और चीज बता दूं कि शी इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसने कई लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। अरे नहीं प्लीज रहने दो, चलो उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ये आई थिंक मुझे हम लोगों को ये नीचे बुला रहे हैं। नहीं बुला रहे तो हमारे साथ देखो, आपने बोला कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी अच्छा इन्फ्लुएंस करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बिना पीसीआर के हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कौन है हमें नहीं पता, बट हम फिर भी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सवाल भी हम खुद ही सोच लेंगे, ये करेंगे सवाल उनकी प्रतिनिधि बनकर। मेरी हिंदी अच्छी हो गई है वैसे, बहुत अच्छी हो गई, मुझसे ज्यादा अच्छी हो गई है। सच में कहा शिवप्रिया, जब इनिशियल स्टेज में शिवप्रिया कॉलेज से आई थी इंटर्नशिप करने के लिए, तो इसकी मतलब इंग्लिश अच्छी थी, हिंदी नहीं थी इतनी स्ट्रांग, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाया और इस परिवर्तन से आज जिस मुकाम में है, उस मुकाम में शायद ही इतनी जल्दी कोई हो सकता है, वो भी अपनी मेहनत से। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कभी तारीफ नहीं करती, तो अपने दोस्तों की तारीफ यहाँ नहीं करी जाती, कभी हमारे ऑफिस में पूछो कि हमने तुम्हारी कितनी तारीफें की। ओह माय गॉड, चलिए ऑफिस हमारे कॉलीग्स से पूछे मिलेंगी, हमारे कॉलीग से पूछे कि सुबह से आज हम बोल रहे हैं कि आज मेरी फ्रेंड आ रही है शिवप्रिया, शिवप्रिया उससे मिलना है। बिल्कुल, जब से तुमने बताया यार, ये चेयर देखो, अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझे उस चेयर पे बैठने दो यार, हम लोग चेयर स्विच कर रहे हैं। अब इसका कारण भी ये है कि जिस चेयर पे दीदी बैठी है, ठीक है, जिस चेयर पे दीदी बैठी है, आय हाय, इस जगह का जो एम्बियंस है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत चेंज हो गया है। तो अब आप अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों तुम ये ना ये टेबल मत लाओ। अच्छा भुनभुना के कह रही टेबल मत लाओ, हाँ ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभार कई लोगों को ना ऐसा लगता है कि मतलब ऑब्वियसली तुमने बोला कि जब आप में कोई बात होती है तभी आपके बारे में चर्चा भी होती है, बात भी होती है, लेकिन कभी कभार हमारा जो दिमाग है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार हम अगर कोई चीज अच्छी कर रहे हैं तो क्यों क्यों हमें टारगेट किया जाता है, क्योंकि क्यों हमारे बारे में बुरा बोला जाता है, उससे क्या होता है माइंड डिस्टर्ब होता है, और आप जो अपना काम करते हो, जो आप करना चाहते हो, वो आप कर नहीं सकते। तो ऐसा क्या किया जाए इस सिचुएशन में कि आपका दिमाग भी शांत रहे और आप खुश हो, आपकी बुराई हो तो आप खुश हो, मन से खुश हो, क्या करें ऐसा?
सबसे पहली चीज तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप कुछ होते हो तो आपके बारे में बात की जाती है. अब डिपेंड करता है कि बात क्या होगी. पहले तो कुछ बनो कि लोग बात करें. फिर जब आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लोगों की है तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है. कैसे, मैं बताती हूँ. जब सारे लोग आपको मान रहे हैं ना, मतलब समझ लो कि आप में लाइजनिंग करने की क्वालिटी ज्यादा है. आप सबको खुश करने में लगेंगे. लेकिन अगर आप सही चीज को देखते हुए बायस्ड हो, बायस्ड इन द सेंस कि नॉट लाइक दैट नेगेटिव, अगर आप सही और गलत में डिफरेंशिएशन जानते हैं और सही चीज को पकड़ रहे हैं तो गलत करने वाले आपसे जरूर जलेंगे. तो सारे लोग तो सेटिस्फाई नहीं हुए ना. तो अगर आप कोई सही काम कर रहे हैं और दूसरों को आपसे दिक्कत हो रही है, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं. ठीक. तो हमेशा इस चीज को पॉजिटिवली लो कि लोग आपसे जल रहे हैं या लोगों को आपसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. बड़ी अच्छी लग रही है. ठीक है, ये इधर. हाँ, ये थैंक यू. सो 100-150 की है, अट्टा से लिया था मैंने. अट्टा मार्केट का ही सेक्टर 18 में है. अगर जाना, अगर देखना होगा अट्टा मार्केट तो आप बता दीजिएगा. जिस दिन शिवपुरिया के पास आएगा उस दिन हम ब्लॉग बनाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. ये एक पहला पॉइंट हो गया. दूसरी चीज की कई बार ऐसा होता है, हमारा मेंटल स्टेटस ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा होता है कि यार क्यों मैं ही बार बार, मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है, कि लोगों को आपसे इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि उनको ये पता है कि जब तक ये लड़की यहाँ रहेगी हमारा कुछ नहीं हो सकता. तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं कि एक लाइन को छोटी करने के लिए दूसरी लाइन बढ़ाने वाले में से नहीं है. ये वो लोग हैं कि एक लाइन को छोटी करने के लिए उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे. तो वो अपना पूरा साम दाम दंड भेद लगा लेंगे कि ये लड़की यहाँ से चले जाए तो हमारा रास्ता. आज हम लोग मिले, हम लोग को बहुत मजा आया. काफी समय बाद हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा. अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 9 और अभी टाइम हो चुका है घर जाने का, क्योंकि घर में सब वेट कर रहे हैं. बीच में काट रही हूँ मैं. वो बस इतना मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज से प्रॉब्लम होती है, उस एक ही चीज अपने माइंड में आप लाना, सिर्फ एक चीज और कुछ भी मत लाना. जब भी आपको प्रॉब्लम हो या कभी भी अनकंफर्टेबल कंडीशन हो जाए तो एक ही चीज सोचना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और ये वक्त नहीं रहेगा. चाहे अच्छा टाइम है तब भी यही सोचना कि ये वक्त भी नहीं रहेगा, और बुरा टाइम है तो भी यही सोचना कि ये वक्त भी नहीं होगा. और एक जो ब्रह्मास्त्र है वो यही है कि आप भगवान का नाम लें. और दूसरी चीज ये हमेशा याद रखें कि आप अपने लाइफ को जूम आउट करके नहीं देख सकते, भगवान देख सकते हैं. इसलिए जो हमें पसंद है जरूर नहीं है कि वो हमारे लिए सही हो. ईश्वर जो चीज करते हैं वो हमारे लिए सही होता है. तो वी मस्ट एक्चुअली एक्सेप्ट आवर यू नो लाइफस्टाइल, क्योंकि ये भगवान ने दी है. वो जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं बस. तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बाय बाय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा. बाय बाय.